हेलो दोस्तों, बोलूँ तो क्या बोलूँ। इस धरती पर 89% कमीना आदमी है। 89% कमीना है। 89% बहुत, इस धरती बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। 89% अपने परिवार के लिए, अपने संगठन के लिए साथ दीजिए, लेकिन आपका साथ कोई नहीं देगा। 89% आदमी कमीना है। इस कमीनापन से कैसे बचा जाए? देखिए, हमको आज जुलाई छूट रहा है। 15 तारीख मेरे बाबूजी मरे थे। 15 जनवरी को मेरे फादर का डेथ हुआ था। तो आज बहुत भावुक दिन है। 1-2 दिन के बाद आने वाला है। 13 है 14 15 आ ही जाएगा। लेकिन हम क्या कहें, दुनिया बहुत ज़्यादा कमीना है। दुनिया में कमीना 85% आदमी भरा हुआ है। इसको कैसे हम लोग एथी करेंगे, मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आता है। दुनिया बहुत ज़्यादा कमीना है। गुल गई गुलशन गई, गई होठों की लाली, दुनिया बचा गए बच्चों वाली। ये बात को समझ रहे हैं? गुल गई गुलशन गई, गई होठों की लाली, तुम्हें क्या बचा बच्चों वाली। मैंने सब कुछ चला गया, फिर भी बच्चों वाली तुम्हें भी। ठीक, लज्जा लगता है, शर्म लगता है। बोलने का शब्द ही नहीं मिल रहा। शब्द मिलता है दिमाग से, मिलता है कुछ तो शब्द उजागर कर कुछ आप लोग से बात करते, कोई शब्द मिल ही नहीं रहा है। बिहार में एक ही शेर है, वो है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप शेर है और कोई शेर नहीं। शब्द ही नहीं मिल रहा बोलने के लिए। लग रहा है जैसे राम राज आ गया है। राम राज आया नहीं है, लेकिन लग रहा है ऐसा कि राम राज अयोध्या का 22 तारीख को उद्घाटन होगा, राम राज आ जाएगा। राम राज आने वाला नहीं है। ये तो गलत कोई भावना को प्रदर्शित कर रहा है। राम राज किसे आ जाएगा? 5 उंगली बराबर है क्या? ई है ई है ई है ई है, तो फिर राम राज कहाँ से आ जाएगा? सब उंगली बराबर, जिस दिन बराबर उंगली हो जाएगा सबका, उस दिन राम राज आ जाएगा। लेकिन बराबर उंगली होगा ना, तो उस दिन राम राज आएगा। देख लीजिए, राम राज कभी आने वाला नहीं है। बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ की तरह हम लोग बात करते रहते हैं। राम राज कहाँ से आएगा? उस सदी में भी तो राम राज नहीं था। उस समय, उस सदी में भी तो जात पात था। उस सदी में भी तो कास्टिज्म था। हर सदी में कास्टिज्म रहा, हर सदी में राम राज नहीं आया है। बकवास, गलत बात लोग बोलते हैं। सबरी सबरी खिलाई, अरे सबरी तो कास्टिज्म उसी समय से ना खड़ा है, तो फिर यहाँ कहाँ खड़ा है? मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लगातार देखते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।